जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष सह वार्ड नंबर 29 के पार्षद अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान के आवास पर सोमवार को रमजान के अंतिम सप्ताह के दिन, जिसे अलविदा कहा जाता है, के पूर्व लोगों के बीच विशेष किट का वितरण किया गया। लोगों ने इस कार्य के लिए मुन्ना खां को शुक्रिया अदा भी किया। मुन्ना खां के कार्यों से समाज के हर जरूरतमंद तबके के लोगों को लॉकडाउन में अपने व अपने परिवार की ओर से राहत वितरण किया जा रहा है, जिसमें सातवें चरण में भी सूखा राशन दिया गया। सामानों के सरसों का तेल, मसूर दाल, चावल, चीनी, लच्छा, दूध, चाय पत्ती, चूड़ा, नमक, आलू, प्याज का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों के बीच रमजान विशेष किट दिया गया। दस्तगीर अंसारी, आसमान खातून, रियाज अहमद खान, मोहम्मद अफरोज, डॉक्टर वारिस अली, इंजीनियर सेराज अहमद खान, मिनतुल्लाह अंसारी, नसीफ खान, फयाज अहमद खान, शकील अहमद, मोनू ब्रावो, रहमतुल्ला खान, नूर आलम सहित कई लोग मौके पर मौजूद भी थे। आइए सुनते हैं मुन्ना खान वार्ड पार्षद क्या बता रहे हैं। दूध है, चीनी है, उसके बाद मसूर का दाल है, आलू है, प्याज है, चूड़ा है, गरम मसाला है, हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है और चना है। तो ये चीज़ लिया गया है और कोशिश की गई है कि अगर लॉकडाउन ख़त्म जिस तरह नहीं हो रहा है, अगर मैं जैसे कोशिश करता रहा हूँ, तो आज 53वें दिन भी हम लोग कंटिन्यू, आप लोग के माध्यम से ये देखा गया कि हम लोग कंटिन्यू गरीब के बीच में पहुँच रहे हैं, जन अधिकार पार्टी के लोग, और आगे भी पहुँचते रहेंगे इंशाल्लाह रहमान। मैं आज कोशिश करूँगा कि कोई गरीब जो है, जिसको जानकारी मेरी है, वो कम से कम भूखा। आज स्पेशल क्या किट दिए हैं कोई? सर स्पेशल वो ये रमज़ान किट था जो हमने दिया, लगभग 11.5 किलो का किट है, जिसके अंदर जो रमज़ान का जो होता है वो दिया गया, ताकि रमज़ान तो बीत गया, अब जो आने वाला वक्त है उसमें लच्छा और दूध मिला दिया गया, ताकि ईद की खुशी भी उन लोग को मुयस्सर हो सके। तो क्या इस तरह का आवाज़? लॉकडाउन 4, गरीब मजदूर लाचार, ईद का समय में भी है, तो अभी रमज़ान किट के अलावा ईद की थोड़ी सी खुशी के लिए उन लोगों को अभी ये अनाज बांटा गया है, ताकि उसमें लच्छा भी है, दूध भी है, ताकि उन लोगों को ये पता चले कि आने वाला समय जो है वो खुशी का है। लेकिन जो वैश्विक महामारी है, इस महामारी से लड़ने का तरीका ये है कि दूरी बना के रखें, तो इसीलिए हमने उन लोगों को अनाज दिया है, ताकि घर पर भूखे नहीं सोएं, कम से कम इतना अनाज रहे कि अपने और अपने बच्चों के साथ खा के सोएं, और जो आने वाला ईद है उसको कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाएं। और अगर ज़्यादा कुछ दिक्कत होता है तो मुझे बताएं, मैं उसको हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि उसको दूर करूँ। अभी तक कितने लोगों को कुछ रहा, तो आज क्या क्या रहा?